He speaks English at snail's pace. At snail's pace. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फेसबुक। तो मुझे बताइए यहाँ पे at snail's pace का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फ्लुएंटली है, स्लोली है, बैडली है या वेल है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही स्पीक्स इंग्लिश एट स्नेल्स पेस। वह अंग्रेजी बोलता है फ्लुएंटली, धारा प्रवाह, खूब तेजी से, स्लोली धीरे बोलता है, बैडली बुरी तरीके से बोलता है, वेल या फिर वह इंग्लिश अच्छी बोलता है। तो यहां पे आपको इस फ्रेज का मतलब बताना है क्या होता है एट स्नेल्स पेस, है ना बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं आपको इसको इजी कर दूंगा। तो देखिए यहां पे दोस्तों होता क्या है, तो आप यहां पे देखते हैं, पहले हम एट स्नेल्स से हम स्पेस को हम देखते हैं, आपको फिर कैसे याद होगा अभी बताते हैं। देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है एट स्नेल्स पेस, देखिए एक्चुअली में जो पेस होता है इसका मतलब होता है गति। क्या होता है? गति, या पेस का मतलब हम चाल भी कह सकते हैं, चाल। जो स्नेल होता है, स्नेल ना एक घोंगा टाइप का जानवर होता है, मतलब कैसे जंतु होता है, एक छोटा सा कीटाणु होता है, और उसके ना सर के ऊपर ना वो बन रहा होता है, शंख की आकृति बन रही होती है, शंख जैसी आकृति बन रही होती है, मतलब इस तरीके से होता है कुछ ऐसे करके, जैसे शंख होता है ऐसे करके, कुछ होता है ऐसे करके, शंख की आकृति बन रही होती है उस पर ऐसे करके, वो स्नेल्स होता है। और ऐड कर लो पर। फिलहाल अगर आपको ये भी याद नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा, फिलहाल अभी हम ये समझते हैं। स्नेल मतलब एक घोंगा टाइप का, मतलब छोटा सा जानवर होता है, देखा रोड वगैरह के किनारे या नदी वदी के किनारे होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है, मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली तरीके से चल रहा होता है। तो वो कैसे चल रहा होता है, उसकी गति कैसे होती है, बहुत ही धीरे होती है गति। तो जब आपके ऑप्शन में आएगा ये एट स्नेल स्पेस, तो आपका आंसर क्या होगा, स्लोली यानी धीरे धीरे, यानी कि वह इंग्लिश बोलता है बट कैसे बोलता है, स्लोली यानी धीरे धीरे बोलता है इंग्लिश। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपको ये ऐसे याद ना हो तो इसका रामबाण में तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब मैं वो तरीका देता हूं जिससे आपको दो सेकंड के अंदर, क्या एक सेकंड के अंदर पलक झपकते याद हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये पेस मतलब गति होती है, चलिए ठीक है, पेस मतलब गति होती है, अगर आपको ये याद नहीं कोई इश्यू नहीं दिया। यहां पे क्या लिखा है एट स्नेल, आप इसमें से एस हटा दो, एस को दबा दिया, तो मुझे बताओ क्या बच्चा, नेल, नेल मतलब नाखून बच्चा है, नाखून, एन ए आई एल, नेल मतलब नाखून होता बेटा, है ना, एन ए आई एल, नेल मतलब नाखून हो गया ना, एस को दबा दिया मैंने, यहां पर एस दबा दिया, एस दबा दिया तो क्या हो गया, नेल, देखिए एस दबाया तो क्या हो गया, नेल होता है नाखून। तब मुझे बताइए जैसे नाखून होते हैं हमारे, नेल मतलब नाखून, इनकी जो गति होती है बढ़ने की बहुत तेज होती है क्या, मतलब एक दिन में, एक रात में, दस दिन में क्या इतने बड़े हो जाते हैं? नहीं ना, हमारे नाखूनों की बढ़ने की गति कैसे होती है, बहुत स्लोली होती है, धीरे धीरे नाखून बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि दस दिन के अंदर इतने बड़े राक्षस जैसे जाते हैं, नहीं होते ना, यानी हमारे नाखूनों की बढ़ने की गति कैसे होती है, बहुत स्लोली होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर ने कहा था स्नेल में से बस ऐसा दबा दिया तो क्या बचा, नेल, और नेल मतलब क्या होता है, नाखून, और पेस मतलब गति, तो नाखून की गति कैसी हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ता है नाखून, तो आंसर क्या लगाए, स्लोली। ठीक है, तो ऐसे चार ऑप्शन होंगे आपके पेपर में और चार गोले, हमें पता है कि एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, स्लोली, डी इज द राइट आंसर, बी पे टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन डनाडन डन डनाडन दोनों जाएंगे दोस्त। तो ये फ्रेज वर्ड आप ऐसे याद कर लीजिएगा आप।